आज कर्नाटक में कांग्रेस की भव्य जीत थी सेवा गुजरात भाजपा कांग्रेस नेताओं की केवी प्रतिक्रिया आ रही है आप सांभिए। विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया, मैं समझता हूं कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहां से देखिए राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जो खुद कर्नाटक के हैं वो 35-40 सीटों में प्रचार किया, उन्होंने सिद्धरमैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की, डीके शिवकुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा, प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से, और इसलिए मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। आई क्रेडिट माई पार्टी कैडर्स एंड माई ऑल माई लीडर्स, दे हैव वर्क हार्ड, पीपल हैव एक्सपोज्ड फेथ इन अस, द लीडर्स हैव सपोर्टेड अस, इट इज ए कलेक्टिव लीडरशिप एंड वी हैव ज्वाइंटली वर्क्ड। आई हैव सेड इन द बिगनिंग joining together is the beginning, on the day I took the oath thinking together is the progress, working together is the success, that is what I said on the day. I assured Shrimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Shrimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail, so I rather choose to be in jail than on having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored at me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in charge general secretaries, such secretaries, they work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. I have a lot of things to tell. I will come later. I will meet you in my Bharat Jodo Bhavan, and I'll meet you and discuss with you. जी गलत था ना, कोई आप आप प्रचार प्रसार में देख लीजिए, कोई राज्य का नेताओं को कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया। कौन होता है नरेंद्र मोदी इधर आके, अमित शाह बोल दिया अगर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया तो आप लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये कौन, ये क्या, ये कौन भगवान है नरेंद्र मोदी? और अमित शाह नड्डा बोल दिया अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपको कोई सेंट्रल कार्यक्रम नहीं मिलेगा। सेंट्रल कार्यक्रम देने के लिए हम टैक्स देते हैं, देश में हमारा तीसरा स्थान पर टैक्स देने में, यूपी बिहार नहीं है हम लोग पूरा देश में हमारा, हम लोग जो टैक्स देते हैं तीसरा स्थान पर, महाराष्ट्र दिल्ली और कर्नाटक, हमारा हक हम मांग लेते हैं, ऐसा कौन होता है ये लोग बोलने वाला? तो इसके खिलाफ लोग जवाब दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा एक रिवाज है, रिवाज के तहत जो हमारे MLAs जो जिन चुन के आते हैं उसका राय लेके हाईकमांड चुनते हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनना है। Once the results come, we'll do the detail analysis and as a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there and at different levels, we'll look into that and improve upon it, and we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. Of our state and every Kannadiga, we are very very grateful and thankful to all those who have supported the party, supported our vision, and we are also grateful and thankful to every karyakarta who has worked very hard in putting forth the cause and mission of the BJP Karnataka. Democracy mein harna jeetna bada baat nahi hai, haar ko hum swikar kiya,
एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे एंड आने वाले दिन में जीतेंगे। हमारा टारगेट है 2024 में मोदी जी को 26 सीट हम लाएंगे।